नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा चिन्ह और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। रमाऊ गांव में राष्ट्रीय पंचायती राज प्रधान संगठन की कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया, साथ ही प्रधानों के अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इस दौरान मनरेगा मजदूर और महिला मेड को सम्मानित किया गया। ब्लॉक राजपुर क्षेत्र के रमाऊ ग्राम पंचायत सचिवालय परिसर में राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के मनोनीत पदाधिकारियों के अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में ग्राम प्रधान सैयद जमाल अहमद को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कौशल किशोर पांडे ने बताया कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत के विकास की धुरी है। प्रधानों के अधिकारों के लिए संगठन वर्षों से संघर्ष कर रहा है। ग्राम प्रधानों की आजीविका पेंशन और प्रधान कोष के लिए सरकार से मांग की जा रही है। मांगों को पूरी ना होने तक संगठन अपनी लड़ाई निरंतर जारी रखेगा। प्रधान संगठन के प्रदेश महामंत्री दिनेश चंद मिश्रा ने कहा कि ग्राम प्रधानों को सबसे पहले पंचायती राज एक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी प्रधान गांव के विकास कर सकते हैं। इस मौके पर प्रधान संगठन के औरैया जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार जालून, जिलाध्यक्ष राघवेंद्र मुखिया, मुसरत खान, मनोज पासवान, राम बली सिंह, मिंटू सिंह, सतीश गौतम, प्रदीप सिंह अनिरुद्ध सहित सैकड़ों ग्राम प्रधान मौजूद रहे। मैं कौशल किशोर पांडे, प्रदेश अध्यक्ष प्रधान संगठन। आज रमऊ में जो सभा हुई है उसमें दो मुख्य चीज़ें रही। एक तो ग्रामीणों में जागरूकता, दूसरे जो हमारे पदाधिकारी हैं जो नामित किए गए हैं उनका सम्मान, और कुछ समस्याएं जो प्रधानों को आती हैं स्नेह स्नेह बीच बीच में उनके निराकरण की बात भी हो गई। कुछ हमें आउटपुट मिल गया ताकि मैं लखनऊ में मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री से इन बिंदुओं पर वार्ता कर सकूँ। और आपने कुछ बिंदुओं बातचीत भी की, जैसे प्रधानों के लिए कुछ बताएंगे और पेंशन? हमने 13 तारीख को मुख्य सचिव को एक ज्ञापन दिया था, उनके सामने उनके ऑफिस में जाकर उनसे वार्ता करके। उसमें दो तीन बिंदु बहुत मुख्य थे। एक तो मनरेगा का वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार ग्राम पंचायतों को देना, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए घोषणा भी कर चुके हैं। दूसरा, गवर्नमेंट जब एक गांव में 7 से 8 लाख रुपया तक खर्च करती है तो गवर्नमेंट को प्रधान को 25,000 रुपया मासिक वेतन देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि 5 साल में प्रधान का जो मूल व्यवसाय होता है वो बर्बाद हो जाता है, उसको पेंशन भी चाहिए, उचित पेंशन भी चाहिए। एक ग्राम प्रधान विवेकाधीन कोष भी होना चाहिए। और भी तमाम छोटी मोटी बातें थीं। गौशाला के बारे में भी मेरी एक मान्यता है कि अगर किसी गौशाला में हम 3 साल गाय को पोषण युक्त भरपेट भोजन दे दें तो 3 साल बाद गौ माता पालने वाले को भी पाल लेगी, अपना बछड़ा भी पाल लेगी और गौ माता को फिर कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बात पर भी मैंने शासन से चर्चा की।